everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see chapter number 5, does it look the same from question number 8. In the last video we completed till question number 7 and now we are going to see question number 8. So question number 8 is, tick in the box below the given shapes that would look the same after half a turn. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें काफ़ी सारे शेप्स दिए गए हैं. ठीक है, तो इन शेप्स को अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो क्या वो वैसे के वैसे ही दिखेंगे जैसे कि अभी हमें दिख रहे हैं? तो अगर वो हाफ टर्न के बाद भी सेम दिखेंगे तो हमें उन शेप्स पे टिक कर देना है. ठीक है, अदरवाइज हम वी विल पुट अ क्रॉस. ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, सी एक एड जैसा सिंबल दिया है. ठीक है, तो देखो इसके ऊपर हम इस तरीके का लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे. इसको हाफ टर्न करने के बाद क्या होगा, देखो हाफ टर्न मतलब यहाँ से यहाँ. ठीक है, तो देखो अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो ये वाली जो साइड है वो इधर आ जाएगी और ये वाली साइड ऊपर पहुँच जाएगी. ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि अभी जो शेप दिख रहा है वैसे का वैसा ही शेप हमें दिखेगा हाफ टर्न के बाद भी. ठीक है, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, तो जो शेप अभी दिख रहा है वही हमें हाफ टर्न के बाद भी दिखेगा. तो हम यहाँ लगा देंगे एक टिक मार्क. ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2. ठीक है, जैसे यहाँ ऐसे डॉटेड लाइंस बना लेंगे. तो देखो इस पिक्चर में भी क्या होगा, हाफ टर्न के बाद हाफ टर्न मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाएगा. ठीक है, इतना हाफ टर्न रोटेट होगा. तो देखो ये वाली जो साइड है वो इधर आ जाएगी और ये वाली साइड है इधर आ जाएगी. ठीक है, ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली साइड इधर आ जाएगी. ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि हाफ टर्न के बाद भी ये इमेज जैसा है वैसा ही दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, टिक मार्क पुट कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे. ठीक है, डॉटेड लाइंस बना लेंगे. देखो हाफ सर्कल, हाफ टर्न यानी कि इतना टर्न हो जाएगा. इट मीन्स ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली साइड ऊपर पहुंच जाएगी. ठीक है, यानी कि हाफ टर्न के बाद ये इमेज भी अभी जैसा दिख रहा है वैसे का वैसा दिखेगा. तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, टिक मार्क पुट कर देंगे. नेक्स्ट है नंबर 4. ठीक है, नंबर 4 में भी देखो क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद ये इतना हाफ रोटेट होगा. ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद भी अभी हमें जैसा इमेज दिख रहा है वैसे का वैसा ही इमेज हमें हाफ रोटेशन के बाद भी दिखाई देगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक टिक मार्क आएगा. नेक्स्ट वी हैव नंबर 5, अ स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर में भी देखो, ठीक है, हाफ रोटेशन यानी कि इतना रोटेट हो जाएगा तो ये जो साइड है वो इधर आ जाएगी, ये वाली साइड यहाँ पहुँच जाएगी. ठीक है, यानी कि अभी जो हमें स्क्वायर दिख रहा है हाफ रोटेशन के बाद भी वो स्क्वायर ही दिखेगा. ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लगा देंगे एक टिक मार्क. नेक्स्ट वी हैव एन रेक्टेंगल. ठीक है, अ रेक्टेंगल, तो देखो रेक्टेंगल में भी क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है, जैसा अभी इमेज दिख रहा है वो वैसे का वैसा ही दिखेगा. ऊपर वाली साइड नीचे आ जाएगी, नीचे वाली साइड ऊपर पहुंच जाएगी, बस इतना सा ही डिफरेंस आएगा. ठीक है, सो वो दिखेगा वैसे का वैसा ही. तो यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, एक टिक मार्क पुट करेंगे. ठीक है, देन वी हैव अ सर्कल. ठीक है, सर्कल में भी, सर्कल को तो कैसे भी घुमाओगे कितना भी घुमाओगे वो वैसे का वैसा ही दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टिक मार्क पुट करेंगे. देन वी अगेन ऑल्सो हैव अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, हाफ रोटेशन में ऊपर वाली साइड नीचे आ जाएगी, नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी. ठीक है, तो वो अपसाइड डाउन हो जाएगा. ठीक है, दिखेगा वैसे का वैसा ही. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टिक मार्क पुट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव नंबर 9. नंबर 9 एक ट्रायंगल है. ठीक है, ट्रायंगल में देखो क्या होगा, हाफ रोटेशन यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी और ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी. तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखेगा. ठीक है, यानी कि हाफ रोटेशन के बाद वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें टिक मार्क पुट नहीं करना है. नेक्स्ट है एक हेक्सागन. ठीक है, हेक्सागन में भी देखो हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा. ठीक है, ये वाली साइड यहाँ चली जाएगी, ये वाली साइड यहाँ आ जाएगी. ठीक है, तो हाफ रोटेशन के बाद भी ये इमेज एज इट इज़ दिखेगा. सो यहाँ पे हम टिक मार्क पुट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव अ पेंटागन. ठीक है, देखो पेंटागन में क्या होगा, पेंटागन में हाफ रोटेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा
और ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो पेंटागन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, यानी कि हाफ रोटेशन के बाद ये फिगर चेंज हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे हम टिक मार्क पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ एक क्रॉस पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इमेज में भी हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हाफ रोटेशन मतलब ये इमेज यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद भी ये इमेज एज इट इज़ दिखेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करेंगे, एक टिक मार्क पुट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव नंबर 13। देखो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इमेज अपसाइड डाउन हो जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा, अभी जो इमेज दिख रही है वो नहीं दिखेगी हाफ रोटेशन के बाद। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक क्रॉस पुट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव अ सर्कल विद अ स्क्वायर, सॉरी प्लस सिंबल इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इमेज अपसाइड डाउन हो जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ दिखेगा हमें सिंबल। तो यहाँ पे हम टिक मार्क पुट कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर 15 में हमें दिख रहा है एक पी, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो वो हमें अभी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस पुट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव 16। देखो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो दो पॉइंट है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद अब जो पिक्चर है वो अपसाइड डाउन हो जाएगा और सेम नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस पुट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव नंबर 17, ठीक है। नंबर 17 में भी देखो क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे इमेज के अंदर, हमें एज इट इज़ पिक्चर दिखेगा, तो हम यहाँ टिक पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा जी, इट इज़ लाइक अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये साइड ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इमेज जो है अपसाइड डाउन हो जाएगा और सेम नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्या होगा, हाफ रोटेशन में ये जो साइड है वो इधर आ जाएगी, ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टिक मार्क पुट करेंगे, हमें इमेज एज इट इज़ दिखेगा। नेक्स्ट ठीक है, हाफ रोटेशन पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं आएंगे हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। हाफ टर्न के बाद कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, एक टिक मार्क पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है ख़त्म। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ बाई चेंजिंग द शेप इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। ये देखो ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है। अब बोला है कि इस इमेजेस में आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से हमें कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। और बोला है इस इमेज को हमें इस तरीके से रीफॉर्म करना है कि उसको हाफ टर्न अगर आप दो तो वो वैसे का वैसा ही रहे, ठीक है। अब जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, इसको अगर हम हाफ टर्न देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाफ टर्न के बाद इमेज चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्क्वायर यही प्रॉब्लम दे रहा है, अदरवाइज सर्कल को तो हम कैसे भी घुमाएंगे वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो सर्कल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, ये स्क्वायर। तो स्क्वायर को उठा के हम कहाँ रख देंगे, अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये जो दो सर्कल्स थे उसके अंदर हमने ये स्क्वायर को अंदर रख दिया, ठीक है। अब हम इस इमेज को किसी भी तरीके से घुमाएं, ठीक है, हाफ टर्न दे अगर, तो ये इमेज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज को हमने रिफॉर्म करके क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब इसको अगर आप हाफ टर्न दोगे तो ये हाफ टर्न के बाद भी एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट है देखो, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके अंदर सर्कल है, 3 ब्लू डॉट्स हैं एंड 2 वाइट डॉट्स हैं, ठीक है। इस इमेज को अगर हम हाफ टर्न देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो वाइट डॉट है वो इधर आ जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो वाइट डॉट है, ठीक है, वो हाफ टर्न के बाद इधर आ जाएगा,
ठीक है, तो क्या होगा, हाफ टर्न के बाद जो है इमेज कुछ सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ये दो डॉट्स ऊपर चले जाएंगे, ये सिंगल डॉट नीचे आ जाएगा, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस शेप को रीफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये जो डॉट्स हैं वही हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, अदरवाइज और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कल को और स्क्वायर को अगर हम हाफ टर्न देते हैं तो वो वैसे का वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये थ्री ब्लू डॉट्स को एक लाइन में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी बी इसलिए लिखा है, इट मीन्स ये तीनों ब्लू डॉट्स हैं, और ये जो वाइट डॉट्स हैं उसको हम यहाँ ऊपर नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हाफ टर्न देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये डॉट ऊपर चला जाएगा, ये डॉट नीचे चला जाएगा, तीनों जो सेंटर में डॉट्स हैं ब्लू वो तो वहाँ के वहाँ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इस पिक्चर को जब हम हाफ टर्न देंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इस पिक्चर को हमने रिफॉर्म करके बना दिया इस तरीके का पिक्चर, ठीक है। आप चाहो तो इस ये थ्री डॉट्स में ब्लू कलर कर देना, ओके। नेक्स्ट है ये इमेज, ठीक है, इसको अगर हम हाफ टर्न देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है, ठीक है, ये वाला और जो सर्कल है वो पहुंच के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हाफ टर्न के बाद जो इमेज है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला जो डॉट है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले डॉट को हम क्या करेंगे, उठा के अंदर ले लेंगे, तो इस तरीके का कुछ इमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस इमेज को हाफ टर्न दोगे, ठीक है, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, अपसाइड डाउन हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ ही दिखेगा, ठीक है। तो हमने इस डॉट को कहाँ उठा के रख दिया, अंदर उठा के रख दिया, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से चेंजेस किए और नया इमेज कुछ इस तरीके से आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें कुछ इस तरीके का शेप दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम हाफ़ रोटेशन करेंगे तो इमेज हमें कुछ सेम नहीं दिखेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और क्लोज ले लेंगे और इस तरीके से पुट करेंगे, ठीक है। अब आप इसको हाफ़ रोटेशन दोगे तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा और सेम दिखेगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव अ सर्कल विथ टू ट्राइंगल्स इनसाइड, ठीक है। अब इसको हाफ़ रोटेशन दोगे तो देखो क्या होगा, और ट्राइंगल्स जो है वो अपसाइड डाउन हो जाएंगे, यानी कि ये सर्कल और ट्राइंगल्स कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यानी कि इमेज चेंज हो रहा है, अब जो प्रॉब्लम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये ट्राइंगल्स प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स को हम कैसे रिफॉर्म कर देंगे, कुछ इस तरीके से रिफॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब आप हाफ रोटेशन इसको दोगे तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, लेकिन दिखेगा तो सेम ही, ठीक है। तो इसको, इस पिक्चर को हमने, ठीक है, चेंजेस करके इस तरीके का पिक्चर बना दिया। अब इसको हाफ रोटेशन देंगे तो ये एज इट इज़ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।